चालीस पचास मिलियन डॉलर का पेरोल टैक्स चोरी हो रहा है। लोग लॉन्ग टर्म कैरियर की जो सोच है वो अब मेरे नहीं ख्याल के वो एग्जिस्ट कर रही है। उसके मुकाबले में गिग वर्किंग, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्किंग, तो ये सारी इतनी चीज़ें हैं कि और हमारे जो यंग बच्चे हैं वो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में क्लैरिटी ऑफ माइंड के मैंने क्या करियर में करना है वो अभी नहीं है। ये जो सोच है जो आपकी है और इसके बरक्स जो दूसरी सोच है बिल्कुल शॉर्ट टर्म जैसे फ्रीलांसर सोचता है, तो वो फिर उसमें आप सत्या नडेला या आप सुंदर पिचाई प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उस लेवल के जो लीडर्स हैं ना उसके लिए आपको एक विजन चाहिए कि ये डब खड़बे लोग हम लोग हैं ना सारे ही सोसाइटी में वेल राउंडेड नहीं है, एथिक्स नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, पीपल स्किल्स नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है और प्रोग्रामिंग का शौक कई लोगों में आपको नजर आएगा, पैशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली शाह, आई होप यू आर डूइंग वेल। रिसेंटली स्टीवन पोप नामी शख्स ने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट की, 10 थिंग्स व्हाई यू शुड नॉट हायर अ फ्रीलांसर फ्रॉम पाकिस्तान। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली सैयद अहमद जो कि DPL के CEO और फाउंडर हैं उनके साथ बात की। हमने ना सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर बात की बल्कि पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है इसके में क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं इसके ऊपर बात की। इसके अलावा जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हैवी IT इंडस्ट्री पे, इनका क्या इम्पैक्ट है, रेबल इनोवेशन क्या है और एजाइल क्या है और टेक में डिस्ट्रप्शन कैसे हो रही है। वी कवर्ड ऑल ऑफ दिस इन दिस एपिसोड, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, सो डू वॉच टिल द वेरी एंड। थैंक यू। आप लोगों ने क्या शुगर लगाया हुआ यार, ये DPL का बड़ा मजे मजे की चीज़ें आप लोग निकाल रहे हो आजकल, क्या तुम लोगों ने क्या फनी वो शुगर सा मुझे नजर आया था, क्या कोई मजाइया वीडियो बनानी शुरू कर दी हैं, कोई मूवीज़ बनाने का तो नहीं इरादा आगे? नहीं यार, बेसिकली हम लोग आजकल जो वीडियोस आप प्रॉबेबली हमने एक ब्रांड है, एम्प्लॉय ब्रांड है रेबल के अच्छा, नाम अच्छा, से अच्छा, तो बेसिकली हम लोग इस माशरे में ना सोच चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की। अच्छा। बड़ी हमारी जो सोसाइटी है थोड़ी सी दबी हुई ज़हनी तौर पर, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ओपन माइंडेड नहीं है। अच्छा। यस सर किस्म की सोच है हर बंदे की, वो मतलब अपनी इंडिपेंडेंट सोच नहीं लोगों की, तो ये ठीक नहीं है यार। मतलब लोगों ने अपनी गेम सेट रखी हुई है, हर बंदा अपने अपने अपनी अपनी जगह पे एक छोटा सा फ्यूडल लॉर्ड बना हुआ है, ठीक नहीं है तुम्हारे ख्याल में? ठीक है अगर हमने छोटे छोटे काम करने तो ओके अगर आपने इनोवेशन करनी है, कुछ बड़ा काम करना है, सही है, तो फिर इस तरह के लोग तो नहीं चाहिए चलेंगे। फिर आपको ऐसे लोग चाहिए जो सवाल कर सकें, जो अपनी इंडिपेंडेंट सोच और क्रिएटिविटी लेके आ सकें, जो क्योंकि क्रिएटिविटी या इनोवेशन कोई ये नहीं होती ऑन डिमांड कि यार अब मुझे क्रिएटिव होके सोच के बताओ तो अब कंप्लायंट हो जाओ। तो आइदर जो लोग आपके पास हैं वो सवाल करेंगे और सोचेंगे और चैलेंज करेंगे, या वो चुप करके आपका ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो अभी हमारी जो सोसाइटी इन जनरल है, हमारे स्कूलों से जो बच्चे ने करें, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, इवन कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जो वर्कफोर्स है, वो इनोवेशन करने के लिए सूटेबल नहीं है। वो ऑर्डर फॉलो करने के लिए ठीक है, अगर RFP ड्रिवन वर्क करना है, कोई आपको रिक्वायरमेंट गोरे ने बताई है आपने उसको उसी तरह से जो बताया गया वो करना है, तो उसको मैं कहता हूँ असेंबलर का काम है या कोडिंग का काम है या बेसिक, तो वो उस काम के लिए ठीक है। मगर वो बहुत अब तो ये काम सारे AI और Copilot और ChatGPT इन्होंने कर देने। तो अगर आपने आगे बढ़ना है, बड़ा काम कोई करना है, तो फिर पहले तो इनकी ज़हनी तौर पे इनको आज़ाद कराने की ज़रूरत है। तो अगर ज़हनी तौर पे ये आज़ाद होगी हमारी कौम, हमारे नौजवान, तो फिर उनका क्या बनेगा? ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है, जो V8 में आपको फिरते हुए लोग नज़र आते हैं, पीछे डाले नज़र आ रहे होते हैं, तो इनकी गेम तो ख़त्म हो जाएगी यार। इनकी गेम ख़त्म हो रही है ऐसे एनीवेज़। आई थिंक के अगर यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे तो आप देख लें कि लाखों की तादाद में नौजवान अब बाहर जा रहे हैं और वो तो दुनिया तो अब ओपन है। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को बंद करेंगे वो कहीं और निकलेगी और ये लोग फिर बाहर जाके, अब आप देख लें कि कितनी 1 करोड़ के करीब हमारे लोग इंटरनेशनली हैं, और तो ये एक टाइम आएगा इंशाल्लाह कि ये अपना जो इंटरनेशनल जितने हमारे कैपेबल लोग हैं और वो पाकिस्तान में जब देखेंगे अपॉर्चुनिटी वापस आएंगे, तो ये स्पेस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम ही होगी वो फ्यूडल सिस्टम के लिए। ठीक है, ये अभी एक चीज़ है, मगर इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जो समझते हैं कि वो यहाँ पे उनको नई स्पेस मिल रही वो बाहर जाके कर रहे हैं, मगर इवेंचुअली आप देखें यहाँ जो इनोवेशन जितनी होती है, स्टार्टअप्स होती हैं, तो वो बाहर से लोग आके फिर
यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो या कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई है। आप लोग DPL में क्या कर रहे हो, मतलब DPL का थोड़ा सा मतलब मुझे बताओ कि DPL करती क्या है और DPL अब इस वक्त कहाँ खड़ी हुई, आगे क्या रहते हैं? यह DPL एक सर्विसेज कंपनी है एंड आपने देखा इंडिया में सर्विसेज कंपनीज के स्केल देखे हैं, एक एक कंपनी $25 अरब कमा रही है, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस $16 अरब, $18 अरब हर साल कमा रही है, तो $1 बिलियन तो बेतहाशा दर्जनों कंपनियां साल का कमा लेती हैं। पाकिस्तान में तो एक भी कंपनी नहीं है जो 100-200 मिलियन डॉलर से ऊपर कमाती हो। हमारा मिशन ये है कि हमने उस स्केल पे $1 बिलियन रेवेन्यू के ऊपर एक सर्विसेज की अपनी कंपनी को लेके जाना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में 8-10 कंपनियों ने आना है जो कि $1 बिलियन का रेवेन्यू करेंगी। तो ये हम कर रहे हैं, हमारी टैगलाइन है इनोवेशन एज अ सर्विस। तो जो फ़र्क है हमारे में और जो इंडियन टाइप की कंपनियों में, हम लोग ज़रा हाई वैल्यू की जो काम है उसकी तरफ फोकस करते हैं, IoT में, डेटा में, सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए हमारी प्रोडक्ट टीम्स होती हैं जो कि काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमने बनाई हैं। फिर इसी तरह कॉरपोरेट कंपनीज, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक लफ्ज़ है आजकल बड़ा चल रहा, कॉरपोरेट्स भी इनोवेशन करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जो इनोवेट नहीं, वो एक लफ्ज़ है आजकल इनोवेट और डाई, तो आजकल तो फॉर्चून 500 कंपनी भी है 15 साल में इनोवेट नहीं करेगी तो ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए उनको भी इस तरह की सोच की और कंपनीज़ की ज़रूरत है जो उनको इनोवेशन सर्विसेज दे सकें, एंड वी आर हेल्पिंग देम प्रोवाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज और स्टार्टअप्स के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके देते हैं हम। गुड यार, और कितने लोग हैं आप लोग, कितनी बड़ी टीम है आपकी? यार कोई 125-150 के करीब लोग हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तो ये तो बड़ी आपने टीम माशाल्लाह काफ़ी माहौल बनाया हुआ है। कहाँ से बंदे लेके आए हुए ये, और ये कैसे इसको, इनको रिटेन कैसे किया हुआ? आजकल तो बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है बच्चे को फ्रीलांसर बनने का, तो आप लोग कैसे? हाँ, रिटेंशन तो आजकल तो ऐसे है, एम्प्लॉई मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट होती है ना, कंपनियों में आप जाएंगे तो आज का ये नंबर है तो कल का ये नंबर है ऐसे ही। तो एक पोस्ट कोविड दुनिया बहुत चेंज हो गई है, एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, लोग लॉन्ग टर्म करियर की जो सोच है वो अब मेरे नहीं ख्याल के वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके मुकाबले में गिग वर्किंग, फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्किंग, तो ये सारी इतनी चीज़ें हैं कि, और हमारे जो यंग बच्चे हैं वो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में क्लैरिटी ऑफ माइंड के मैंने क्या करियर में करना है वो अभी नहीं है, तो जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं और उसमें चमक भी होती है, उसमें पैसा भी होता है, तो ऑफ कोर्स वो फिर हर डायरेक्शन में देखो एंड हम लोग अपनी कंपनी में बड़े क्लियर एक फोकस लेके जा रहे हैं कि हमने अपने लोगों को ग्रोथ प्रोवाइड करनी है और उनको अपने फुल पोटेंशियल पे लेके आना है, जिसको आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, या तो उधर लाने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमने जो देखा है कि हमारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बच्चों को तबाह करके निकाल रही हैं, उनको पहले तो उनकी सारी क्रिएटिविटी स्कूलों में ख़त्म कर देते हैं, वो जब यूनिवर्सिटियों में पहुँचते हैं तो बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के चल रहे होते हैं, और एक लफ्ज़ है मैं यूज़ करता हूँ सॉरी पंजाबी का, कि ये डब खड़बे लोग हम लोग हैं ना सारे ही सोसाइटी में, वेल राउंडेड नहीं है, एथिक्स नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, पीपल स्किल्स नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, और प्रोग्रामिंग का शौक कई लोगों में आपको नज़र आएगा, पैशन नहीं है, तो अब ये हाउ डू वी टेक दिस मैसिव यूथ और इनको आप उस लेवल पे लेके आएँ कि यार ये इसको वाकई में पाकिस्तान के लिए एसेट बने, और तो वो इस तरह से फ्रीलांसिंग करके और छोटे मोटे काम करके तो नहीं बनेंगे हम लोग, वो जब तक ये लोग अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आएंगे, तो यही बच्चा या यही लोग जब सिलिकॉन वैली में जाते हैं वहाँ तो इनोवेशन करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, यहाँ बैठ के हम अनफॉर्चुनेटली क्या कहें, टके मारी करते हैं, तो वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट एंड वी नीड टू थिंक बिगर, और एक प्रोफेशनलिज्म की एक मैसिव बेस बनानी है हमने इंडिया में, 4 मिलियन प्लस वर्कफोर्स IT सेक्टर ने जो तैयार किया है, अब वो उस मुल्क के लिए एक बैकबोन है और उसको सुपर पावर बना दिया उन्होंने। चाइना को देखें, एक एक कंपनी में 10-10 लाख एम्प्लॉई उनका होता था जो एप्पल असेंबल करता था, आज वो
कितनी बड़ी मैसिव वर्कफोर्स है जो दुनिया को डोमिनेट कर रही है. वी नीड दैट. और इंशाल्लाह बस हम कोशिश करें कि ऐसे लोग जो कि पैसे की दौड़ से आगे अपनी ग्रोथ और अपने फ्यूचर और लॉन्ग टर्म को भी सोचना चाहते हैं. सो वी आर अ कंपनी हु आर इन्वेस्टिंग इन पीपल ग्रोथ. वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर पीपल. हम इसको कहते हैं पीपल सेंट्रिक कंपनी. हम इसके मुकाबले में जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या अदरवाइज आप देखते हैं ज़्यादातर प्रोसेस सेंट्रिक कंपनियाँ होती हैं, तो पीपल सेंट्रिक कंपनी की वजह से हमारा फुल इन्वेस्टमेंट लोगों के ऊपर है और कोशिश है कि वो लोग ग्रो करें. तो जो लोग तो ग्रोथ को प्रेफर करते हैं फिर वो दैट दोज आर द पीपल वी वांट टू अट्रैक्ट और फिर उनको उनके ऊपर इन्वेस्ट भी करते हैं. और जिनको वो वैल्यू डेफिनेटली मिलती है तो दे वो रुकते हैं. मगर डेफिनेटली आजकल की मार्केट ऐसी है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा माहौल भी ऐसा बना हुआ है. बहुत सारे लोग को मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. तो जाहिर है हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं. ज़बरदस्त यार, फैंटास्टिक. मुझे बात हमारी याद आया कि जो इंडिया है जैसे कर रहा है, जैसे ये जो सोच है जो आपकी है और इसके बरक्स जो दूसरी सोच है बिल्कुल शॉर्ट टर्म जैसे फ्रीलांसर सोचता है, तो वो फिर उसमें आप सत्या नडेला या आप सुंदर पिचाई प्रोड्यूस नहीं कर सकते. उस लेवल के जो लीडर्स हैं ना उसके लिए आपको एक विजन चाहिए. अगले 10-20 साल में बंदे ने कहाँ पहुँचना है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. बड़े मज़े की बात मेरे जहन में आई है. एक मेरी टीम में एक लड़का है, वो बेसिकली पहले फ्रीलांसर के तौर पर काम करता था. अच्छा, उसने रिसेंटली 2 महीने पहले हमारे साथ काम स्टार्ट किया. और जो आपने बात की ना कि यार उसमें उनमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती या कम्युनिकेशन की, वो मैंने उसमें देखा यार, वो उसने हमें ना जब भी आना तो अपनी मर्ज़ी से उठ के उसने लगता है ऐसे था कि शायद अभी वॉक वो गया है, वॉशरूम गया है या चाय पीने गया है, वो गायब हो जाता था. तो एक दिन वो काम कम्प्लीट नहीं हुआ था और हमने वो काम डिलीवर करना था शाम को. तो मुझे जो मेरे साथ उसका टीम लीड था उसने कॉल की यार वो तो गायब हो गया. मैंने कहाँ गायब हो गया, तुम बैठे हुए तो गायब कैसे हो गया? कहते यार वो उठ के गया फिर वापस नहीं आया. तो पता चला अगले दिन उन्होंने बताया जी वो मेरे दोस्त आ गए थे, मैं उनके साथ रावलपिंडी चला गया था. तो मैंने कहा यार तुम दोस्त आए थे या कोई मलकुल मौत आ गया था कि तुम एकदम गायब हो गए, तुझे बताने का टाइम नहीं मिल सका उसको. तो एनीवेज वो फ्रीलांसर्स बिल्कुल इस तरह चल रहे होते हैं, बिल्कुल आज की जो कमाई है वो आज ही करनी है. जैसे एक वो सोच नहीं होती कि बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ जो दिहाड़ी वाले बंदे की सोच होती है तो वो उसमें आप ज़्यादा दूर की नहीं सोचते. अच्छा यार मुझे एक इसमें मैं आपको फ्रीलांसर सिंह के हवाले से एक पर्सपेक्टिव डेफिनेटली देना चाहता हूँ कि देखिए फ्रीलांसिंग कैन बी अ गुड थिंग एज वेल. मैं कई अच्छी आईटी कंपनीज को जानता हूँ, आज की अच्छी आईटी कंपनीज जो जिन्होंने शुरू फ्रीलांसिंग से किया, मगर दे टुक अ स्टेप अप एक छोट. मगर आजकल जो एक अनफॉर्चुनेटली एक सीन चला हुआ है जिसमें हम नारे मार रहे हैं फ्रीलांसिंग के और हम पूरी कॉम को फ्रीलांसर बनाने पे तुले हुए हैं और हम झंडे लहरा रहे हैं कि हम दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़ी फ्रीलांसिंग पे आ गए. तो ये मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी कामयाबी है. मतलब जो मैं तो समझता हूँ ये जो फ्रीलांसिंग है कि अंदर जितना हम ये दिखा रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कामयाबी नहीं है, ये एक बीमारी की अलामत है. अच्छा वो कैसे कि इंडिया इस वक्त हमसे 75 गुना आगे आईटी सेक्टर में. हमारी इंडस्ट्री वो 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो हम 2.5 अरब पे बैठे हुए हैं, 3 अरब पे. फ्रीलांसिंग में हम बराबर हैं. क्या वजह, क्या इंडिया में फ्रीलांसर या लोग नहीं हैं? यहाँ क्यों इतने ज़्यादा फ्रीलांसर भरे हुए हैं और इंडिया में नहीं है? वजह यह है कि इंडिया में या पूरी दुनिया में, और यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए कि आपने फ्रीलांसिंग की बट दैट शुड जस्ट बी द फर्स्ट स्टेप और एंट्री, और उससे आप वो बच्चा जो है वो फिर आगे जाके एक SME बनाए, छोटी कंपनी बनाए, माइक्रो एंटरप्राइज बना ले, आगे जाके और तरक्की करे, SME बनाए, बड़ी कंपनी बनाए, फिर वो मतलब ऊपर की तरफ जाए. एक फ्रीलांसिंग के लेवल पे तो आपको बड़ा काम नहीं कर सकते. तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इकोसिस्टम है वो ऐसे तबाह किया गया है क्योंकि यहाँ पे हर बंदे को बस क्रेडिट लेने का शौक है कि मैं फ्रीलांसिंग का चैम्पियन हूँ. तो जी गवर्नमेंट भी कहती है बस फ्रीलांसर ये जो वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आ गए हैं तो इसका तमगा मैं ले लूँ कि हमने थर्ड लार्जेस्ट बनाया है. और एक्चुअली वजह ये है कि ये ऊपर नहीं जा पा रहे, ये ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो बढ़ता जा रहा है. इनको अपॉर्चुनिटी इनके लिए क्रिएट नहीं हो रही. इनफैक्ट जो हमारी कंपनी है उनको भी फोर्स किया जा रहा है कि वो कंपनियाँ बंद करके फ्रीलांसिंग के अंदर आ जाए.
और इस वक्त हो ये रहा है कि 40 बंदों की भी कम नहीं है, तो वो 40 फ्रीलांसर के तौर पे बैठे हुए हैं और अपने अपने घरों में, और उनको अपने पर्सनल अकाउंट में रेमिटेंस आ जाती है या फ्रीलांसिंग के पैसे आ जाते हैं, बट दे डोंट सी, वो एक 100 बंदों या 50 बंदों की कंपनी नज़र नहीं आती, वो 100 फ्रीलांसर नज़र आते हैं। इस तरह से हमारी कॉम तो आगे नहीं जा सकती। सो एक बड़े इसमें सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है और उसकी वजह से हमारी इधर भीड़ लग गई है फ्रीलांसिंग की, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ग्रो करने की और हम उसके ऊपर नारे मार रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसी बात ही है। ये जो नारे मारने वाला काम है ना, क्रेडिट लेने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखें, आपको लोन मिलता है, आप उस पर खुशी से निहाल होते जा रहे हैं कि यार हमने लोन हासिल कर दिया है कहीं से भी। आप लोगों का ये भी जो कंपनी लेवल की, माशाल्लाह अच्छे लेवल पर कंपनी चला रहे हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट मिलती होगी, टैक्सेस टैक्सेस का तो कोई मसला नहीं होगा, हर लिहाज से अमन सुकून होगा, ऐसे ही है? बस सरवाइव कर रहे हैं, कोशिश होती है कि हर रोज़ के कहाँ से अटैक कोई आएगा उससे अपने आप को बचाना है। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, कम्पीट करना। एक लफ्ज़ मैंने कॉइन किया है 2013 में किया था, मगर वो उसके ऊपर मैंने ज़्यादा उसको पब्लिसाइज नहीं किया, मगर अब मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत है। वो लफ्ज़ है करप्टेटिव। अच्छा, कॉम्पिटिटिव। हाँ जी, ओके। मीनिंग के आप उस वक्त तक कंपेटिटिव नहीं हो सकते जब तक आप करप्ट ना हो, और टू सर्वाइव यू हैव टू बी करप्ट, यू हैव टू गो इनटू द ग्रे इकोनॉमी, यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स। सो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एंटी बिजनेस हैं। आपने अगर रेगुलेटेड जो लोग हैं, जो लोग कानून को फॉलो करना चाहते हैं, उनको वो और जूस निकालते हैं उनका, और जो उस दायरे से निकल जाते हैं और वो फिर अंडर द रेडार हो जाते हैं, टैक्स को वो चोरी करते हैं और अपने आप को वो मज़े में, उनसे कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं। सो उसका नुकसान ये है कि आप देख लें, हमारी अब सैलरी क्लास है, तो जो कंपनियां पेरोल टैक्स दे रही हैं, जो एम्प्लॉइज़ पेरोल टैक्स कटवा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि अब इतने टैक्स हो गए हैं कि जो, क्योंकि आईटी वर्कर्स हैं, ये आम मजदूर क्लास के लेवल पे तो नहीं होते, ये आप कह लें कि इनकी 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए सैलरी तो आम होती है, इससे ज़्यादा भी होती हैं, और इस लेवल पर जो इन्होंने टैक्सेस, क्योंकि सैलरीड क्लास पर तो सारा टैक्स लगा दिया इन्होंने, बाकी जो ना एग्रीकल्चर को लगाने का चाहते हैं, ना वो रिटेल सेक्टर को लगाना चाहते हैं, तो उससे हो क्या रहा है कि जो कंपनियां और जो एम्प्लॉयज़ सिस्टम में काम कर रहे हैं और वो फंसते जा रहे हैं, उनको नोटिस भी फिर आ जाते हैं, उस नोटिस को फाइट करने के लिए आप फिर लाखों रुपए लगाते हैं, और जो बच्चे हुए उनके पीछे ये नहीं जाते। इस वक्त कम अज़ कम 40-50 मिलियन डॉलर का पेरोल टैक्स चोरी हो रहा है। अच्छा। और वो बजाय कि ये उसको, और वो डिफरेंट तरीक़ों से, कोई पर्सनल आईटी की वर्कफोर्स फॉर एग्जांपल, कंपनियों ने ये देखा कि यार ये तो गवर्नमेंट में ये तो हर वक्त का ये टैक्स वालों के साथ नोटिसेज और झूठे नोटिसेज और उनसे फाइट करना, तो काफ़ी सारी आईटी कंपनीज अब दे उनको फिर इंटरनेशनल कंपनियाँ रिमोट ऑफर्स कर रही, इलीगल बिकॉज दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड हियर, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक लोकल रजिस्टर करके आप हायर कर सकते हैं, वो रजिस्टर नहीं करते, वो हायर करते हैं और पैसा पर्सनल अकाउंट में रिमिट कर देते हैं, और इसका मतलब ये है कि वो उसके ऊपर कोई पेरोल टैक्स नहीं पे करते। तो एम्प्लॉयज़ ऑफ सच कंपनीज जो कि पेरोल टैक्स काटती हैं, वो प्रेफर नहीं करते कि उन कंपनियों में काम करें, वो कोशिश करते हैं कि ऐसी किसी इलीगल कंपनी में चले जाएँ, चाहे वो रिमोट वर्क की हो चाहे दूसरी हो, जहाँ पर उनको पेरोल टैक्स ना कटे। तो फिर हो ये रहा है कि आप कंपनियों को कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाहर कोई रिमोट वर्क में कोई ऑफर आ रही है तो वो एम्प्लॉई उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है कि मुझे मेरा टैक्स भी इधर आप खुद दें, वरना फिर मैं उस कंपनी में जाऊंगा जो टैक्स नहीं देगी। तो अनफॉर्चुनेटली एक फिर जब कंपनियों ने इस चीज़ को फाइनेंस मिनिस्ट्री सबके नोटिस में लाया गया, मगर उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, और हुआ क्या कि अब कंपनियां भी कंपटीशन की वजह से, क्योंकि जब उनका एम्प्लॉई छोड़ के जा रहा है तो वो मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा तुम्हें मैं अपनी अमेरिका से डायरेक्ट रेमिटेंस भेजता हूँ,
और तुम्हारा भी पेरोल टैक्स नहीं होगा, तो तुम बैठोगे हमारे पास, काम हमारे पास करोगे, मगर टैक्स तुम्हारा नहीं कटेगा क्योंकि तुम्हें पर्सनल रिमिटेंस आएगी। तो उससे हो क्या रहा है कि आप देखेंगे कि कई कंपनियों की 20% 30% अब एम्प्लॉई शो ही नहीं होंगे उनके पेरोल में जो। सो एक तो हमारी फॉर्मल सेक्टर की कंपनियां अब पुश हो रही हैं टुवर्ड्स दिस ग्रे प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं टैक्स उनको रिमोट वर्किंग पे, इंटरनेशनल जो ऑफ हैं कंपनीज हैं, फ्रीलांसिंग है, सारा कुछ है, वो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है और वो उस पर कानून को अप्लाई करना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं जो टैक्स नेट में बैठा हुआ है उसको स्क्वीज़ करो। तो बेचारे जो फंसे हुए हैं, जो लोग एम्प्लॉयज़ जो कि बस कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनका फेथ होल्ड हो जाना है, खुद ही कट जाना है टैक्स, वो फंसे हुए हैं। और जो टैक्स चोरी की तरफ जाता है उसको कोई पूछ ही नहीं है। हाँ, ये तो बड़े रात कॉम्प्लिकेटेड है यार। ये जो ग्रे वाली बात की है, ये ग्रे ट्रैफिक जैसे मोबाइल नेटवर्क्स में होती थी तो वो उसको कर्व करने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस था, तो यू आर सेइंग ये द सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन दिस साइड एज वेल। चलो अल्लाह करे यार कोई हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं इनको कोई मतलब इस तरफ ये तवज्जो दें और इस मसले को एड्रेस करें, तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेट्स कीप आर फिंगर्स क्रॉस्ड। यार ये तुमने ये जो चुटकुला छोड़ा है रेबल का DPL ने, ये क्या है? ये मैंने आप लोगों की वीडियो देखी थी, बड़ी मज़े की थी, वो फनी सी थी। या रेबल एक DPL के सारे एम्प्लॉयज़ आर कॉल्ड रेबल्स, हमारी एम्प्लॉई ब्रांड है। बेसिकली हम अपने आप को रेबल्स इसलिए कहते हैं कि हम समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में अभी तक जो लोग हैं ना, या हमारी सोसाइटी एट लार्ज अभी ग़ुलाम ज़हनियत की है। ग़ुलाम ज़हनियत का मतलब यह है कि हम अभी तक 100-100 साल पुराने कवानीन हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई देखता नहीं है कि यार ये नॉनसेंस भी होगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, जो हुक्म मिलता है उसको वो फॉलो करना है। तो एक यस सर किस्म की मैंटेलिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है और क्वेश्चन करना सिखाया नहीं जाता कभी। उससे होता यह है कि ऐसा बंदा जो कि यस सर माइंडसेट का है वो कभी इनोवेशन नहीं कर सकता। और यही हमारे कस्टमर्स हमें बताते हैं सिलिकॉन वैली के कि यार ये इंडियंस और पाकिस्तानीज का मसला ये यस सर बहुत है, कि ये बस हर बात पे यस सर कर देते हैं और ये दे डोंट हैव देयर ओन आइडियाज़, दे डोंट हैव क्रिएटिविटी, उन्हें बस जो बता दो वो करेंगे और उससे ना कुछ ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे। तो हम क्योंकि इनोवेशन पे फोकस करते हैं, तो हमने इस ग़ुलाम ज़हनियत से लोगों को आज़ाद कराना था कि लोग क्वेश्चन करना शुरू करें। वाई नॉट? अगर 100 साल से काम नहीं हुआ तो अब क्यों नहीं हो सकता, या 100 साल से काम होता आ रहा है तो अब चेंज क्यों नहीं हो सकता? सो क्वेश्चन करें, चाहे कोई जिस लेवल पे मर्जी बंदा है, आपका बॉस है, आपका जो क्लाइंट है, कोई गोरा है, कोई एनीवन, वो कोई आपके सामने जब वो एक बात करता है आपको लगता है गलत है, तो अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, इनोवेशन की बेसिस है कि डिफरेंट आइडियाज़ क्लैश करते हैं और उसमें से बेस्ट आइडिया विन करता है। मगर जिधर एक बंदा जो कि बॉस है या बड़ा है उसका आइडिया होगा और हर बंदा जी हजूरी करेगा, उधर तो इनोवेशन नहीं हो सकती। तो हमने ये जो रेबल, हम कहते हैं कि हम अपने आप को रेबल इसलिए कहते हैं कि हम इस ग़ुलाम सोसाइटी से लोगों को ज़हनी तौर पर आज़ाद कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉज़ ज़हनी तौर पर आज़ाद हों, वो अपने फुल पोटेंशियल पे आएँ, वो सो दैट दे कैन थिंक ओपनली, दे कैन बी क्रिएटिव। सो हम इसलिए अपने जो लोगों को ज़हनी तौर पे आज़ाद करा रहे हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम रेबल्स। अच्छा, ग्रेट। तो नहीं, ये जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ भी तो पाकिस्तानी बैठे हुए ना, वहाँ भी जो आपकी टीम में जो लोग हैं, तो शुरू में कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहे? क्या शुरू कर दिया, मतलब एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हो, तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आई? कैसे आपने इंट्रोड्यूस किया और उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया? और चेंज तो जब भी आप लाएंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगी, और स्पेशली व्हेन यू आर द फर्स्ट वन या वन ऑफ द कहेंगे फ्लैग बीयरर्स लीडर्स, आप कोई नई प्रैक्टिस लाएंगे तो वो तो फिर क्योंकि लोगों ने देखी नहीं होती, उनको कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही होती कि यार ये ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं है जैसे ये बातें करें, तो देन दे काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्टिंग के, एजाइल, हम फुली एजाइल कंपनी हैं क्योंकि एजाइल में इनोवेशन, सिलिकॉन वैली में एजाइल चलती है, वहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं चलती। तो एजाइल कल्चर बड़ा फ्लैट होता है, उसमें हायरार्की का कॉन्सेप्ट नहीं है,
बल्कि वो तो कहते हैं नो टाइटल्स नो एक्सेप्शंस, मीनिंग सारी टीम है और सबके आइडियाज़ उतने ही मैटर करते हैं, कोई बॉस नहीं है, कोई हायरार्की नहीं. तो हमने अपनी कंपनी में जब फ्लैट कल्चर को, एजाइल कल्चर को इंट्रोड्यूस किया और हमने कहा कि कोई कल से कोई मैनेजर नहीं है, कोई टीम लीड नहीं है, कोई सारे टीम मेंबर्स हैं और उस तरह से चलेंगे, तो मुझे याद है कि हमें 4-5 इस्तीफे टीम लीड लेवल के मिडिल मैनेजमेंट के आगे. अच्छा. और उन्होंने कहा यार ये हम तो नहीं काम कर सकते. उन्होंने सोचा होगा डिमोट हो गए. वो दे सेड कि यार हमें तो, आप कोई हमसे पूछेगा कि तुम्हारे अंडर कितने लोग हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, मेरे अंडर कोई नहीं है. कोई भी नहीं. तो वो अपनी सीनियोरिटी को लोगों की जूनियोरिटी से देखते थे, ये नहीं कि वो देखें कि मैं अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर क्या वैल्यू है. तो इसलिए वो उस तरह की सोच डेफिनेटली होती है. बट वी डिसाइडेड कि हमारे लिए कंपनी का कल्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड पीपल हु बिलीव इन आर कल्चर या जो उसमें, सो वी वेंट अहेड. और बड़ी इनिशियली मुश्किलात थी, बट देन वी वर एबल टू अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए. और फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि लोगों ने हमें फॉलो करना शुरू कर दिया. मुझे याद है कि कल्चर तो नज़र इतना नहीं आता, वो कहते हैं ना कि इंसान की जो नज़र है ना बुत परस्त होती है, इकबाल का कुछ शेर भी है इस बारे में. तो वो जो टच एंड फील होती है चीज़, तो कल्चर नज़र नहीं आता तो लोगों को. हमने जब पहली दफ़ा ओपन ऑफिस का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया इस्लामाबाद में, फिर वहाँ से और भी कंपनी आईटी कंपनीज में आने शुरू हुआ, तो और फिर इंडस्ट्री में काफ़ी उस लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया. बड़ी उसकी एक नाम हुआ, लोगों ने उसकी बड़ी वेल रिसीव्ड हुआ इंडस्ट्री के अंदर. तो फिर एक वो उसकी आप कह लें कि रिकग्निशन आनी शुरू हो गई, और इवन विद इन अ लॉट ऑफ पीपल वो दे नाउ कुड अंडरस्टैंड कि ये जो DPL कर रही है ग्राउंड ब्रेकिंग है. सो दिस इज़ नॉट समथिंग, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार यहाँ DPL में अगर फ्लैट है, मैं बाहर जाऊँगा तो वो हमसे सवाल पूछेंगे, तो मुझे तो जॉब भी नहीं मिलेगी और किसी जगह पे. तो हमें वैसे ही होना चाहिए जैसे बाकी सारे हैं, सूट टाई लगा के हायरार्की में, मेरे अंडर 10 बंदे हों, मेरे ऊपर 10 बंदे हों. तो वो एक माइंड सेट ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता, बहुत मुश्किल काम है. मैं कहूँगा कि प्रॉबेबली इम्पॉसिबल काम है कि आप एक बंदे को चेंज कर दें. बट ये उसी तरह है कि जैसे आप कहते हैं ना कि ईमान, अगर आप, मैं कहूँ आप 100% मोमिन हैं, तो कौन कभी कोई मोमिन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता 100%. ऐसे ही कोई होंगे, आप 20% होंगे, मैं 10% होंगे, कोई 30 होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि 100% नहीं हो सकते तो हम जाएं ना उस डायरेक्शन में. सो द मोर आप उस डायरेक्शन में जब काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बिलीफ है लोगों के ऊपर और लोगों को एक पॉजिटिव लेवल पे लेके जाना है, 10% भी हम ये काम कर जाएं, तो हम बाकी सारी कंपनियों से इतना आगे होंगे जितना. सो यस, इट्स बहुत मुश्किल काम है मगर बहुत रिवॉर्डिंग. इट्स अ मिशन. ये एक ऐसा मकसद है जो कि मेरे ख्याल में आपके काम में मीनिंग लेके आते हैं. यू नो, हर बंदा आवर्स हर कोई चार्ज कर लेता है, इनवॉइसेस होती हैं, पैसे हर कोई कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं, बाकी भी कमा रहे हैं, वो बाकी तनख्वाहें सारा कुछ, ये तो चलता है. तो वो एक आगा हसन अब्दी की एक कोटेशन थी, कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू गेट वर्क डन थ्रू पीपल, बट द रियल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू डेवलप पीपल थ्रू वर्क. असल काम तो लोगों को बनाना है. एक्सलेंट. काम तो वो कर ही देंगे. गुड यार, ज़बरदस्त. तो ये जो वो मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे, वो जो बंदे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कि वो उन्होंने सही, मेरे ख्याल उनकी बात ठीक थी, बिल्कुल जस्टिफाइड थी फ्रॉम देयर व्यू पॉइंट. ये आइडिया कहाँ से लाते हो? ये जो नई चीज़ तुमने, नया चुटकुला छोड़ा, तो इसके लिए जैसे अभी तुमने माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोटेशन पढ़ी है आगा हसन अब्दी की, तो तुम्हारे माइंड में आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है. मेरा एक दोस्त है, आप कॉमन फ्रेंड ही है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ही सेड कि यार पहुँच गया हूँ कि यार तुम भी वही किताबें पढ़ते हो, मैं भी वही किताबें पढ़ता हूँ, मगर यू आर एबल टू अप्लाई दोज समहाउ, और मुझे नहीं समझ आती कि ये मेरे से इट बिजनेस से कैसे कनेक्ट करते हैं ये आइडियाज़ ना. तो डेफिनेटली ये आइडियाज़ आर, पहली बात तो मेरे नहीं है, दुनिया में आइडियाज़ भरे हुए हैं, कोई भी आइडिया शायद नया नहीं होता, कहीं ना कहीं से आया होता. तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरी अपब्रिंगिंग में एक आज़ाद सोच
के अंदर मेरे वालिद की का बहुत रोल था। वो हमें एक बाल को पढ़ाते होते थे, बड़ा ज़बरदस्त। मुझे याद है बचपन में वो कभी बैठा के फारसी के उनके शेर बता रहे हैं, लामा इकबाल के कभी शाहीन का कॉन्सेप्ट क्या है तो फलाना, और वही वो ये कहते होते थे कि मेरे बच्चों ने ग़ुलामी नहीं करनी, मैं ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट क्या है तो वो मतलब ये वॉन्टेड कि वो जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में दे शुड डू विदाउट के वो एक ऐसे कॉरपोरेट कल्चर में फंसे हों के बस नौकरी करो और आप जो करना चाहते हैं ज़िंदगी में कर सकें। तो एक तो वो एक जो इकबाल की आइडियाज़ जो उन्होंने इंस्टिल किए हमारे अंदर, वो अपने आप को इकबाल का मुरीद कहते होते थे एक तरह से, तो वो आपके बचपन से वो सुन सुन के आपके दिमाग खुलता है। और दूसरा फिर स्टडी रीडिंग, एक मैं जिस थॉट को फॉलो करता हूँ वो है आपको वर्जन ग्रुप को आप देखें, रिचर्ड ब्रांसन, आप जैपोज कंपनी थी बिलियन डॉलर की उसने अमेज़ॉन को बेची, डिलीवरिंग हैप्पीनेस इज़ अ बुक जिसमें वो कॉन्सेप्ट काफ़ी, सो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ होलोक्रेसी। होलोक्रेसी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट्स द ऑपोजिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, आपने हाउ डू यू वर्क इन अ वे के वो, सो एक होती है ब्यूरोक्रेसी में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज डिफाइंड प्रोसेसेस से, कानून से, लॉ एंड ऑर्डर से आप लोगों को चलाते हैं, डंडे से चलाते हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस स्टेट है, पुलिस स्टेट में सारा वेस्ट में बाय एंड लार्ज पुलिस स्टेट है, लोग लॉ एंड ऑर्डर से डरते हैं और काम करते हैं जो करना है उन्होंने। अब वो लॉ एंड ऑर्डर के डर की वजह से कर रहे हैं, यानी कि अपने अपनी दिल की अच्छाई से कर रहे हैं काम, वहाँ पे ज़रा सा ब्रेकआउट हो जाए ना न्यूयॉर्क में कहीं और, आपको पता चल जाता है सैलाब आ जाए कि जब लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी देर के लिए भी ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे क्या लूटमार शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे एक डर से और कानून के डंडे से लोगों को लाइन में रखा हुआ उन्होंने। सो पुलिस स्टेट होगी, मार्शल लॉ हो गया, इनमें यही होता है। इसकी ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट इज़ केओस, जिसमें एनार्की आप जिसको कहते हैं, कोई कानून नहीं है, ला कानूनियत है, हर बंदा ऐसे माहौल में हर बंदा के जो दिल में होता है वो करता है, पावर जिसकी। बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एनार्की इज़ व्हाट वी कॉल सेल्फ पुलिसिंग, मैं अपने आप को खुद पुलिस करूं, मुझे कोई बाहर से डंडा नहीं है, मैं अब जो चाहूं करूं, मगर मैं वो करूंगा जो ठीक होगा, बिकॉज मैं अपने आप को पुलिस कर रहा हूं। दूसरे के ऊपर डंडा नहीं चलाना बल्कि अपने ऊपर डंडा चलाना है, यानी अपने अंदर बिलीफ की पावर पे। तो आप इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मदीने की रियासत की आपको एग्जांपल देता हूं कि मदीने में कौन के उस टाइम पे को आर्मी होती थी, पेड आर्मी उन्होंने रखी हुई थी, कोई कौन थी आर्मी, उन्हीं में से लोग थे जो आम सारे लोग ही आर्मी थे, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इदारा नहीं था, सारे लोग आर्मी हैं। एक उनको आवाज़ दी, सारे हाजिर हो गए, और उनसे बेस्ट फाइटर कोई नहीं थे, बिकॉज वो जज्बे से लड़ते थे, दिल से लड़ते थे, वो पैसे के लिए लड़ते थे। फिर उनका कोई बैंक था या कोई दारुल जहाँ पे वो कोई इस तरह की ट्रेजरी या कोई इदारा था, वो भी नहीं था, वो हजरत उमर ने बाद में बनाया आगे। तो मगर जब पैसा चाहिए होता था, कहत आ गया या कोई जंग आ गई, पैसा चाहिए तो कहाँ से आता था, आवाज़ मारते थे और हर बंदा अपने घर में जो है और ले आया, कोई गरीब भी है, सिर्फ खजूरें पड़ी हैं उसने वही ला के रख दी। तो इस लेवल की सेल्फ डिसिप्लिन के कोई अपने किसी ने गुनाह कर दिया, उसने खुद अपने आप को पेश कर दिया कि मेरे तो गुनाह हो गया, आप मुझे सजा दें। ऐसा मुआशरा जिसमें हर बंदा अपने आप को पुलिस कर रहा है और कोई बंदा वहाँ कोई जेल नहीं है, मगर हर बंदा एक दूसरे को ट्रेन कर रहा है, बिलीफ के अंदर कल्चर ऐसा बना हुआ है पॉजिटिव। तो असल ये चीज़ है, जब बंदा इंटरनल बिलीफ जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो अगर आ जाए,
जो आर्मी अगर कोई ऐसी होगी जो इंट्रेंसिक मोटिवेटेड होगी, उससे दुनिया की कोई आर्मी लड़ नहीं सकती। पैसे वाली मर्सनरीज जो मर्जी आ जाएं, जितनी मर्जी अमीर आदमी हो, वेपन्स हो, इस बिलीफ वाली आर्मी से नहीं लड़ सकती। ये कॉन्सेप्ट्स अब इन गोरों को समझ आए हैं। तो जो एजाइल है उसके आप कॉन्सेप्ट्स देखें तो वो उसी तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, डंडे से नहीं चलाना, हायरार्की से नहीं चलाना, टीम खुद ही सेल्फ ऑर्गेनाइज करे, खुद ही करे व्हाट एवर इज़ राइट। आप ट्रस्ट करें कि टीम ठीक करेगी, और ट्रूथ होगा, सच बोलेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेगा। कॉर्पोरेट में आप कहें कि यार झूठ नहीं बोलना, तो वो कॉर्पोरेट में तो ये वो कॉन्सेप्ट ही, वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बंदा झूठ बोलेगा। इंसान है ही गलती का पुतला, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो या तो इसको ऑटोमेट करके इसे जान ही छुड़ा लो। तो देख लें अमेज़ॉन में उन्होंने कहा कि सारे वेयर हाउस में बंदे ख़त्म कर दो क्योंकि बंदा रिलायबल नहीं। या फिर आप इसको, इसके ऊपर इतने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दें, इनको इतने प्रोसेस में फंसाएं, इतने फ्लैग्स हों कि वो गलती जब करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो डर की वजह से वो ना कर सके। मगर एजाइल में क्या होता है, वो कहते हैं बिलीव करें लोगों के ऊपर, क्योंकि ताकि वो जो करना चाहता है उसको आज़ादी मिले, उसको चेक्स एंड बैलेंसेस से वो फंस ना जाए, रेड टेप में ना फंस जाए वो। मगर अब आपने ट्रस्ट करना है, सच बोलें, इसका मतलब है उनके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए, उनके अंदर एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं ठीक काम करूँगा, मैं गलत नहीं करूँगा, मेरे ऊपर चेक्स तो नहीं है बट इसका मतलब आई हैव टू डू इट राइट। सो वो सेल्फ पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट्स ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग के फॉर्म में एजाइल के अंदर ले आए। सो होलोक्रेसी इज सच अ कॉन्सेप्ट, इज सच अ क्रेजी कॉन्सेप्ट। ये वो कंपनी, फॉर एग्जाम्पल ज़ेपोस में जब इन्होंने $1 बिलियन की कंपनी खरीदी अमेज़ॉन ने, तो उसने इसको कहा कि यार ये इसको मैं, बाकी कंपनियों को वो अमेज़ॉन में खा जाती थी उसे, इसको उसने कहा इसको मैं इस कंपनी को टच नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज़ सो स्पेशल कि ये हम रिक्रिएट नहीं हो सकती और ये हमसे बहुत आगे की चीज़ है। मैंने गूगल के लोगों को लाइनें बना के 6-6 महीने की बुकिंग करा के उनके ऑफिस विजिट्स और कल्चर की को जाते देखा। और वहाँ क्या होता है, सो होलोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि nobody will tell you what to do, you will see yourself कि मैं बेस्ट वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूँ, मेरा क्या पोटेंशियल है कंपनी में, क्या अपॉर्चुनिटी और मैं क्या करूँ। सो वहाँ पे लोग जाते हैं, IBM वगैरह पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, आधे लोग वो जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी से चला गया, अब वो कन्फ्यूज हो गया, वो जाके उन्होंने ट्रिप टूर कराया, सब कुछ कराया, अब उन्होंने कहा कि ठीक है देखो कि तुम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। कहते हैं मैं करना क्या है, तो तुम खुद देखो क्या करना है, वी वॉन्ट टेल यू। एंड नाउ देयर कन्फ्यूजन, सारी ज़िंदगी लोगों ने हमें बताया कि क्या करना है और अब ये कह रहे हैं कि खुद ही देखो, हम नहीं बताएंगे क्या करना है तुम्हें। एंड दिल नो, वो कहते नहीं हमें तो इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे तो हम नहीं कर सकते। बट देन दोज पीपल जिनमें वो पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी या इनोवेशन, जो आज़ादी चाहते हैं, जो समझते हैं कि हमें अगर मौका मिले तो हम, एंटरप्रेन्योरियल माइंड वाले लोग, दे लव इट, और वो जाके फिर वो करते हैं वहाँ पे बिकॉज दे गेट द फ्रीडम देयर। तो बट ये तो बड़ी खैर रेडिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान तो खैर बहुत ही पीछे है, मगर आप कह लें कि एक आइडियल स्टेट मैंने आपको कुछ बताई और ये हम तो उसमें शुरू की सीढ़ियों पे चल रहे हैं। अमेजिंग यार, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और जो मुझे अपील की है चीज़ के अलामा इकबाल की जो हमारी इंटरेस्ट है वो कदरें मुश्तरक है हमारी, और मुझे वो शेर याद आ गया जो तुम लोगों को अप्लाई होता है, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और। तो ये अमेजिंग, यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल माशाल्लाह। तो ये जो आप जिस कंपनी लेके चल रहे हो और बड़े नेक्स्ट लेवल के काम कर रहे हो, तो क्या देखते हो आगे 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में कहाँ पहुँचोगे, अगले 10 सालों क्या विजन है? वी डेफिनेटली वॉन्ट टू बी $1 बिलियन कंपनी रेवेन्यू वाइज, बट हमारा जो मिशन है, वी वॉन्ट टू बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड। आपको प्रोडक्ट में एप्पल गूगल में तो ट्रांसफॉर्मेशन या इनोवेशन बड़ी नज़र आती है, सर्विसेज कंपनीज में इंडियंस को देख लें, कोई इनोवेशन आपको नज़र नहीं आएगी ज़्यादा। तो द मिशन स्टेटमेंट वी हैव इज़ कि वी वॉन्ट टू बी द थॉट लीडर इन एजाइल, पीपल सेंट्रिक एंड एथिकल प्रैक्टिसेस इन एशिया, क्योंकि एशिया में ये हायरार्किकल कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे एजाइल फ्लैट कल्चर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग डेफिनेटली एजाइल और पीपल प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिनका मैंने कुछ जिक्र किया, मगर सबसे बड़ी चीज़ एथिकल। देखें
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सक्सेस मॉडल कौन से बन गए बिजनेस वाले लोगों के लिए, मॉडल फॉर सक्सेस क्या है, कौन लोग हैं जो कि मॉडल हैं कि यार ऐसा बनना है हमने तो सक्सेसफुल हो जाएंगे? वो अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट बैरन्स होंगे जिन्होंने बड़ी हर दो नंबरी करके, हराम हलाल करके उन्होंने पैसे कमाए हैं। और एक सोच बन चुकी है कि अगर आप लैंड क्रूजर में हैं तो आप हराम की कमाई होगी, आपकी हलाल की नहीं हो सकती। तो ये सोच बन चुकी है कि आप हलाल में अमीर नहीं हो सकते, मिलियनेयर नहीं हो सकते। बट एक ज़माना होता था जब मुसलमान ट्रेडर को ढूंढ के लोग उससे ट्रेडिंग करते थे कि यार ये सच बोलेगा, इससे बेस्ट सौदा मिलेगा, इससे कोई मिलावट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों, नाइजेरियंस, मुसलमान लोगों से वो कहते हैं भाई आपसे हमने काम नहीं करना, आपसे करेंगे तो स्पेशल हम आपको चेक करेंगे, बिकॉज आप झूठे भी हैं, आप लोग धोखा भी देते हैं, आप चीज़ भी गलत बेचते हैं, आपकी कोई एथिक्स नहीं है। और एथिक्स किसकी होगी? यूरोपियंस की। अब वो हमें बताते हैं कि यार जो सच बोलना चाहिए, ये तो हमारी मिराज थी, तो ये वो हमें बता रहे हैं। तो उस चीज़ को, मगर उस पर जो हमारा बिलीफ ख़त्म हो गया था सोसाइटी कि सूद के लिए बग़ैर, रिश्वत दिए बग़ैर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये बिलीफ ख़त्म हो चुका है। एंड वी वॉन्ट टू बी अ मॉडल एंड वी वॉन्ट टू बी अ यू नो पोस्टर चाइल्ड फॉर सक्सेस, कि जब हम इतने बड़े हो जाएं कि लोग कहें कि यार देखें कि ये जो, अगर ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं एथिकल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर हलाल कमा के, तो फिर हम भी हो सकते हैं। सो वी वॉन्ट टू हैव दैट। असल मेरी सक्सेस ये होगी कि हम कोई 10, 20, 100, 1000 या पूरी लोकल इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर को, पूरे को एक एथिकल डायरेक्शन में लेके चलें। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पैसे की दौड़ है और ऐसी ऐसी अनफॉर्चुनेट किस्म की प्रैक्टिसेस चल रही हैं फ्रॉड की। मैं एक इंटरेस्टिंग वाक्य, अभी लंडन टेक वीक में मैं गया हुआ था, तो एक मेरा दोस्त या एक कंपनी चलाता है वो लाहौर में, तो वहाँ बात हो रही, एक काफ़ी एक ट्रेंड चला हुआ है एक फ्रॉड का, जिसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ पे बैठ के अपने एम्प्लॉइज़ को फेक सीवीज़, उनकी अमेरिकन लोगों की सीवीज़ पकड़ के, तो यू शो के ये कोई माइकल कैंटर है बंदा, अच्छा, या फलाना है और अमेरिकन है, आपने अमेरिकन सीवी की बेस पे वहीं नौकरी ले ली और यहाँ पे उस बंदे के इसकी सीवी को यूज़ करके 60-70 अमरीकी नौकरियाँ लेके बैठ गए और उनको एक धोखा दिया कि हम जैसे कोई अमरीकी लोग बैठे काम कर रहे हैं, दे डोंट नो देर कि ये एक कंपनी है जो कि पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और एक आउटसोर्सिंग मॉडल है। व्हाट दैट अमेरिकन कंपनी थिंक्स इज़ कि हमने किसी अमरीकी को जॉब दिया, और इस बेसिस पे ज़ाहिर है वो अमरीकी फिर पेस देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो 5 गुना ज़्यादा कमाई होती है। तो ज़ाहिर है फिर आप यू कैन गिव देम ऑल काइंड ऑफ प्लॉट्स भी दे सकते हैं, एम्प्लॉइज़ को सब कुछ दे सकते हैं। तो ये इस तरह की फ्रॉड की स्कीमें चल रही हैं और मैसिवली सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग, तो वो फिर और बंदे भी फ्रॉड में शामिल हो रहे हैं। तो मेरी बात हुई उससे, ये इस पर बात हो रही थी मैं कि यार ये फ्रॉड है, हमें ना एथिक्स पे चल रहना चाहिए, हमें फ्रॉड वाली चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए, बेशक बड़ी लुक्रेटिव है। तो उसने कहा ये सैयद भाई कौन सा फ्रॉड है? मैंने कहा ये जो फ्रॉड चल रहा है, ये सारा काम कर रहे हैं, कहते ये फ्रॉड तो नहीं है। मैंने कहा फ्रॉड नहीं है कैसे? कहते ये तो हर कोई कर रहा है। मैंने कहा अगर कोई हर कोई कर रहा है तो वो ये मतलब तो नहीं कि वो फ्रॉड नहीं है। तो कहता है कि नहीं, ये जो है ना, देखिए अगर वो कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम कम्पीट कैसे करेंगे? तो हमारी मजबूरी है, तो क्योंकि हमारी मजबूरी है इसलिए अब ये फ्रॉड नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था, करप्टेटिव, अब हर बंदा उस लाइन पे चल रहा है। तो हमें अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल लोग एथिकल डायरेक्शन में ना सक्सेसफुल मॉडल्स बनाने हैं, जहाँ पे लोग देखें कि यार ये बंदा जो फरारी में जा रहा है ना, या ये बंदा जो अरबपति बना है, ये इसने कोई किसी का हक नहीं मारा, इसने किसी को रिश्वत नहीं दी, इसने कोई सूद के ऊपर अपनी अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके कोई एम्पायर नहीं बनाई,
इसने एक एथिकल तरीके से और जो जिसको मैं इस्लामिक बिजनेस प्रैक्टिसेस कहता हूँ उनको जो जो कुरान में जिस तरह से बताया गया कि बिज़नेस करो, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल कुरान में लिखा हुआ है, उसको फॉलो करें तो हमें वी डेस्परेटली नीड सक्सेस स्टोरीज। तो इसलिए मैं वो बिलियन डॉलर की जो बात है वो डॉलर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो सक्सेस का मॉडल बनना है कि ये भी ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो हाउ वी मेक दिस बिलियन डॉलर इज़ गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस देन मेकिंग अ बिलियन डॉलर। एक्सलेंट। और तुम्हारी इस बात से मुझे याद है कि ये बेसिकली मिलियनर बनने का नया फार्मूला है, हाउ टू बिकम अ हलाल मिलियनर। सो ग्रेट यार, अमेजिंग। एंड फाइनली मेरे माइंड में एक और, तुमने मेरी रगे शायरी को फड़का दिया। तो वो जो बातें तुमने की हैं वो दिल पे जाग लगी हैं। वो बेसिकली एक शेर है, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, तुमने कहा देखना तकरीर की लज्जत जो उसने कहा, मैंने ये जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। तो आपने जो बातें की हमारे दिल पे लगी हैं, और अल्लाह आपको कामयाब करे। माशाल्लाह यू हैव अ ग्रेट विजन, और उसके साथ साथ जो जिस तरह आप चीज़ों को लेके जा रहे हो कि एम्प्लॉयज़ की केयर कर रहे हो, फिर आपने नेक्स्ट लेवल पर जब जाना है तो यू आर वेरी केयरफुल के कॉशियसली ट्रेडिंग, कॉशियसली कि हमने जहाँ भी पहुँचना है लेकिन पहुँचना कैसे है। तो अल्लाह आपको कामयाब कर दीजिए। हमारी सब दुआएं आपके लिए हैं। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट वन। ये सैयद अहमद से हमने काफ़ी डिटेल में गपशप लगा ली है, और ही इज़ अमेजिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग्स इन DPL, बड़े मज़े मज़े काम ये कर रहे हैं, उस सारी भी हमने बात कर ली है, गपशप लगा ली है। अभी भी अगर आपको मज़ा नहीं आया तो फिर नहीं आ सकता। और इसके अलावा जो है ना, अब चैनल को सरप्राइज ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी किस्म की गपशप हम आइंदा और बाकी एपिसोड में भी लगाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।